हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ स्टार्टर मोटर का पूरा पार्ट्स यहाँ खोला हुआ है। अभी हम इसको एक एक करके फिट करेंगे और बताएंगे कौन सामान कहाँ लगता है, किसका क्या नाम है, क्या काम है। और ये जो है, ये पूरा एक स्टार्टर मोटर BS4 गाड़ी का है, ठीक है, 4018 गाड़ी का है। और इसको हम पूरा अभी एक सेल्फ यहाँ पे फिट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको मतलब आप ये वीडियो देख करके समझ जाएगा कि स्टार्टर मोटर फिट कैसे होता है, एक एक पार्ट जो है वो कहाँ कौन पार्ट लगता है। तो यहाँ पे देखिए, ये है जो बॉडी होता है फील्ड कॉयल का, वो है, ठीक है। इसमें दो कार्बन ब्रश देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। दो कार्बन ब्रश इसमें है जो पॉजिटिव का है, और दो और कार्बन ब्रश है यहाँ पे देखिए, जो ब्रश होल्डर है ना, इसमें लगा हुआ है, देखिए ये निगेटिव का है। ओके, तो अभी हम एक एक करके इसको फिट करेंगे और दिखाएंगे, ठीक है। ये हाउसिंग हो गया, ऐसे में जितना इसमें जितना पार्ट है ना, सबका नाम ऑलरेडी सब पे एक एक वीडियो बना हुआ है, कौन चीज़ का क्या नाम है। अभी मैं इसको यहाँ पे फिट करेंगे स्टार्टर मोटर को, तो ये एक वीडियो हो जाएगा कि स्टार्टर मोटर कैसे फिट किया जाए। अगर कोई भी स्टार्टर मोटर अगर खोल करके पूरा अलग अलग एक एक पार्ट कर दिया गया है, तो उसको फिर वापस कैसे वैसे सेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये आर्मेचर है, ठीक है। सबसे पहले इसके इस पे इसमें जो जो चीज़ लगता है ना, उसको हम फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगेगा सेंटर प्लेट, ठीक है। देखिए, इसके लिए जो स्टार्टर मोटर है ना, उसके लिए सबसे पहले आपको तीन चीज़ रेडी करना पड़ता है। ये देखिए, ये रॉकर है, ठीक है। इसमें एक बुश लगता है, देखिए यहाँ पे बुश लगा हुआ है, ठीक है। ये बुश लगा हुआ है, तो इसमें बुश लगा देना है, ठीक है। और ये जो है ना, ये यहाँ पे लगता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगता है। तो इसको पहले फ्री कर देना है, इसे लगा करके इसको फ्री कर लेना है, ठीक है। एकदम ज़्यादा इसमें लूज भी नहीं होना चाहिए, एकदम फ्री घूमना चाहिए, और ज़्यादा पकड़ के भी रहेगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बुश लगा दिया जाएगा, उसके बाद से आता है ये, देखिए यहाँ पे भी बुश लगा हुआ है हाउसिंग में, देखिए यहाँ पे अंदर में बुश लगा हुआ है, देखिए, ठीक है, बुश लगा हुआ है। इसमें भी बुश लगा लेना है और इसको रेडी कर लेना है, मतलब इसमें देखिए, यहाँ पे ये बुश जो है हाउसिंग वाला, वो यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले तीन बुश, और देखिए और एक बुश होता है यहाँ पे सेंटर प्लेट है ना, इसमें देखिए यहाँ पे एक बुश लगा हुआ है। बुश यहाँ पे दो किस्म का लगता है, एक प्लेन लगता है कॉलर वाला, तो ये कॉलर वाला बुश है, ओके। तो ये इसके अंदर रहेगा, ठीक है, ये इसके अंदर ऐसे लगा रहेगा, ये जो है ये यहाँ पे रहता है। अभी वो फिट होगा तो देख लीजिएगा, लेकिन ये सबसे पहले आपको ये तीन जो बुश है ना, उसको रेडी करके रखना पड़ेगा। ये रेडी कर लेने के बाद से ये जो है ना आर्मेचर में लगता है, ये सेंटर प्लेट का जो है, ये सेंटर प्लेट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद से लगता है यहाँ पे बेंडेक्स यानी पिनियन, देखिए ये है, ठीक है, ये ऐसे लग जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ लगा देने के बाद से यहाँ पे लॉक लगा देता है, और ये अब हो जाता है रेडी, ठीक है। ये तीन चीज़ लगा देने के बाद से ये रेडी हो जाता है, उसके बाद से हाउसिंग में सब फिट किया जाता है, इसका जो बॉडी है वो। तो फ्रेंड्स, अभी हम सबसे पहले इसको फिट कर लेते हैं जैसे कहा गया है। तो देखिए कौन चीज़ कैसे फिट होता है। देखिए, ठीक है, ये चला गया नीचे अपने जगह पर, और देखिए ये एकदम फ्री है, ठीक है। ये इसमें लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें प्ले नहीं होना चाहिए, एकदम प्ले नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर। बुश इसीलिए लगाया गया है ताकि प्ले नहीं होगा। देखिए, ठीक है, ये दो चीज़ अभी रेडी हो गया, इसके बाद से यहाँ पे देखिए ये लॉक है, ठीक है। ये लॉक लगाया जाता है ताकि जब ऑटो स्विच, ये जो स्विच है ना, इसमें जब करंट जाएगा और ये जो है ये अपने अंदर खींचेगा ना, तो यहाँ पे एक फ्रॉक लगा रहता है, वो फ्रॉक है ये, ठीक है। यही जो है यहाँ पर लगा रहेगा, और ये इसको जो है ये पिनियन को बाहर
फेंकेगा एकदम एकदम बहुत वो तेज़ी से फेंकता है, तो वो लॉक लगाया जाता है ताकि वो पिनियन बाहर ना चला जाए, निकल ना जाए, ठीक है। वो यहाँ पे लॉक के पास आकर के रुक जाता है, और ये पिनियन जब लॉक के पास आ जाएगा ना, तो यही जो इसमें दांता जो है वो फ्लाईव्हील में लग जाता है। देखिए ठीक है, देखिए कैसे बैठाया जाता है ये लॉक, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। ये देखिए इसके बाहर में जो ये था ना वो अंदर चला गया। देखिए देखिए ये जो है इसको अंदर जब चला जाएगा तो ये एकदम फ्री घूमेगा, हैं ये जब ये फ्री घूमेगा तो समझ जाइए कि ये लॉक हो गया, ठीक है। अभी देखिए अभी ये जो है ये देखिए ये बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ पर लॉक के पास आकर के रुक जा रहा है, ठीक है पिनियन। तो अभी ये लॉक फिट हो गया, ये हो गया हाफ असेंबली, मतलब इसको बोला जाता है कि ये हाफ असेंबली हो गया। अब रह गया जो हाउसिंग में जिसको फिट किया जाता है सारा चीज़। देखिए अभी ये हाउसिंग हो गया, ठीक है। अब इसको इसमें फ्रॉक जो है लगा करके, देखिए यहाँ पे जहाँ ग्रीस लग रहा है ना यहाँ पे फ्रॉक लगता है। देखिए ये चीज़ ये है फ्रॉक, इसको फॉर्क बोला जाता है, ठीक है। देखिए इसमें भी बहुत कुछ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस फ्रॉक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये शायद डुप्लीकेट फ्रॉक है या बाहर से लगाया हुआ है, लेकिन इसमें एक एरो का निशान होता है, ठीक है, जो बताता है कि फ्रॉक जैसे हम तो देखिए ये तो ऐसा है ना, तो ऐसा भी लग सकता है, ऐसा भी लग सकता है। तो फ्रेंड्स इस फ्रॉक में वो एरो का निशान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और भी मेरा और वीडियो है इस पे, तो उसमें देख लीजिएगा निशान दिया हुआ है। लेकिन अगर एरो का निशान नहीं हो तो कैसे समझ में आएगा कि ये इसका जैसे ये जो है देखिए ये ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा, कैसे समझेंगे। तो ये देखिए ये जो है ना ये नीचे की तरफ होगा, ठीक है, ये देखिए ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, देखिए ये ऐसे होगा, ठीक है, तभी जा करके ये मतलब देखिए ये जो है ना ये कटा हुआ जो चीज़ है ना वो बाहर की तरफ होगा, यानी जिधर पिनियन निकल रहा है ना उधर ये कटा हुआ चीज़ जैसे देखिए ये जो ऐसा जो बना हुआ है ना ये कटा हुआ, देखिए इधर एकदम सीधा है और नीचे में एकदम कटा हुआ है थोड़ा सा, तो ये कटा हुआ चीज़ बाहर रहना चाहिए जिधर पिनियन निकल रहा है, ठीक है। और भी इसका काम है, ठीक है, अभी थोड़ा सा पहले इसको फिट कर ले फिर बताएँगे कि ये कितना लूज होना चाहिए। ठीक है एकदम सही है, ये देखिए ये एकदम ऐसा ही होना चाहिए, ये ज़्यादा पकड़ के रखेगा तो भी दिक्कत है, ज़्यादा छोड़ के रखेगा तो भी, ये देखिए थोड़ा सा हाँ अब बराबर एकदम हुआ, मतलब ये जो है ना ये ना पकड़ के रखेगा जोर से ना छोड़ के रखेगा, ठीक है, एकदम हल्का सा उसमें फंसना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी देखिए ये जो आर्मेचर है वो हाउसिंग में लग गया है, और देखिए जो फ्रॉक है ना फ्रॉक में देखिए यहाँ पे एक होल दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे होल था, आप बाहर में जो देख रहे थे वो होल देखिए वहाँ पे एक सामने में होल जो था ना वहाँ पे एक बोल्ट लगता है, देखिए यहाँ पे देखिए वो होल भी दिख रहा है, यहाँ पे एक बोल्ट लगता है जिसको एडजस्टिंग बोल्ट कहा जाता है। देखिए ये कैसा रहता है, देखिए ये बोल्ट थोड़ा सा अजीब ही रहता है, देखिए ये कटा हुआ है, देखिए ये कैसा है, एक तरफ ज़्यादा इधर छोड़कर है, मतलब ये एडजस्ट के लिए है कि, और देखिए इस पर भी एरो होता है, देखिए एरो, देखिए यहाँ पे एरो दिया होगा, थोड़ा साफ कर दें, देखिए ये एरो दिख रहा है ना आपको, देखिए यहाँ पे एरो, तो ये जो एरो है ना ये एरो कहाँ रहेगा, अब ये एरो अगर आप उल्टा लगा दीजिएगा जैसे एरो, देखिए यहाँ पे भी एक एरो दिया हुआ है, देखिए ये एरो दिख रहा है ना, तो ये जो एरो है ये और ये एरो, ये दोनों एरो मिलना चाहिए, यानी अगर इसका एरो का जो मुंह है वो अगर बाहर की तरफ है तो ये एरो का मुंह भी बाहर होना चाहिए, देखिए जैसे ये जो है ये ऐसे रहेगा, देखिए ये दोनों एरो मिलना चाहिए, देखिए
देखिए ये दोनों एरो मिल रहा है ना, तो ये जो है ना ये आकर के फंसता है इसमें, ये जो फॉर्क है उसमें फंसता है। और ये जैसे इसको आप टाइट कीजिएगा इसमें, तो ये क्या करेगा, ये फॉर्क को अंदर ले जाएगा, फिर बाहर ले जाएगा, फिर अंदर ले जाएगा, बाहर ले जाएगा। तो ये जो है जब एरो में एकदम बराबर आकर के लगेगा ना, तो फॉर्क जो है वो अंदर रहेगा, यानी पूरा जो बैंडेक्स है उसको पकड़ के रखेगा। इसीलिए वो पहचान देने के लिए सिर्फ ये एरो का निशान बनाया गया है। देखिए अभी ये देखिए वो उसके अंदर गया है, ठीक है। देखिए बोल्ट जो है वो अंदर गया है। देखिए अब इसको टाइट करने पे देखिए क्या हो रहा है, वो फ्रॉक जो है एक बार अंदर जा रहा है थोड़ा सा, और थोड़ा सा एक बार बाहर आ रहा है। लेकिन जब ये एरो एकदम दोनों मिल जाएगा ना, तो उस समय क्या होगा, फॉर्क जो है वो एकदम खूब अच्छा से जा कर के जो पिनियन था बेंडेक्स उसको पकड़ लेगा। देखिए अभी जो है एकदम बराबर है इधर, ठीक है। वही देख लेना है हमको बस, के जो एरो है वो एकदम लेवल में होना चाहिए। थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए अभी जो है ये लगा देने के बाद देखिए ये काम कर रहा है, एकदम बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये दबाने के बाद से ये देखिए यही क्या होता है, ये दबाने के बाद से जो है ऊपर नीचे हो रहा है पिनियन, ठीक है। तो अभी इसके बाद से यहाँ पर लगेगा जो फील्ड कॉइल है वो, देखिए फील्ड कॉइल से पहले ये एक रबड़ आता है, ये लगा दिया जाएगा, ठीक है। देखिए ये रबड़ हो गया और एक रबड़ आता है, देखिए ये और एक रबड़ है। देखिए ये रबड़ का देखिए ये कैसे कटा हुआ है, ठीक है। इसी को देखना है बस, यहाँ देखिए ये यहाँ पे फिट हो गया, ठीक है। और ये कटा किस लिए है, यहाँ पे देखिए ये जो लगेगा ना, तो इसके लिए ये थोड़ा सा कटा हुआ है, ऐसा डिजाइन बनाया गया है ताकि ये जो है ये एकदम बराबर इस पर आकर के बैठे, ठीक है। चलो ये देखिए ये है फाइबर वाशर, ठीक है। ये फाइबर का वाशर है और इसके पास ये स्टील वाशर लगेगा। देखिए यहाँ ये हो गया स्टील वाशर, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो वाशर लगा हुआ है, एक फाइबर वाशर और एक स्टील वाशर, ठीक है। इसके बाद लगता है जो कार्बन जिसमें लगा होता है ना, वो जो कार्बन होल्डर ब्रश होल्डर, ठीक है, कार्बन ब्रश होल्डर होता है या रॉकर, बहुत सारा नाम है उसका। तो अभी उसको लगाया जाएगा जिसमें ग्राउंड का यानी अर्थ का कार्बन दो लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये हो गया इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो होल्डर है ना, इसमें दो यहाँ पे ऐसा पहचान दिया गया है कि कहाँ पे ये जो दो रॉड है ना, इसके लिए यहाँ पे देखिए बना हुआ है, कटा हुआ, ताकि दिखेगा कि ये कौन ब्रश किधर रहेगा और ये इसको कैसे फिट करना है। देखिए यहाँ पे दो ब्रश लगा हुआ है ऑलरेडी, देखिए यहाँ पे एक ब्रश है और एक ब्रश देखिए इधर पे, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और ये जो दो ब्रश है ये पॉजिटिव का है, जो फील्ड कॉइल से आ रहा है, ठीक है। ये फील्ड कॉइल से ये दो ब्रश आ रहा है, ये और ये। और यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये लगता है ये ऑटो स्विच है, यहाँ पे सोलेनॉइड स्विच यहाँ पे लगेगा ये, और यहीं से करंट जाता है फील्ड कॉइल में, ठीक है। और फील्ड कॉइल से हो करके ये दोनों होल्डर में आता है, और इसमें ऑलरेडी ग्राउंड रहता है, ठीक है, इसमें ग्राउंड रहता है। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको फिट करेंगे। देखिए अभी ये जो दो होल्डर है ना, इस दोनों होल्डर में जो ब्रश है पॉजिटिव का वो लगाया जाएगा। देखिए कैसे लग रहा है, ठीक है। ये चारों ब्रश इसमें फिट हो गया, जो दो पॉजिटिव का था और दो ग्राउंड का है, ये चारों ब्रश फिट हो गया। अभी इसके बाद से इसका जो कैप आता है रॉकर कैप वो लगाया जाएगा। लेकिन उससे पहले देखिए रॉकर कैप लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें दो पेपर देना होगा, ठीक है। जो दोनों पॉजिटिव है ना, देखिए पॉजिटिव कौन कौन है कैसे समझ में गए, देखिए ये पॉजिटिव नहीं है क्योंकि ये जो है ये लगा हुआ है यहाँ पे रॉकर में, ये पॉजिटिव नहीं है। जो अंदर से आ रहा है ना, देखिए ये है पॉजिटिव और एक इसके उस साइड में जो होगा के उल्टा साइड में एक वहाँ पे पॉजिटिव। तो ये दोनों जगह पे लगाया जाएगा पेपर, ताकि ये जो है ये वायर
कहीं रॉकर में ना टच हो जाए या बॉडी में कहीं ना हो जाए, इसीलिए पेपर लगाया जाता है। देखिए पेपर यहाँ पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पेपर लग गया, जो पॉजिटिव है सिर्फ वही पेपर लेना है, ठीक है, नेगेटिव के जगह पे पेपर नहीं देना है। पेपर फंसाने के लिए देखिए इसके अंदर भी एक पेपर लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक पेपर जो है ना इसी में, इसके अंदर थोड़ा सा पेपर डाल करके देखिए कैसे ये लगा हुआ है, वैसे ही लगाना है, उसी तरह देखिए यहाँ पे भी लगाया गया है, ठीक है। तो अभी इसके बाद से ये रोकर लगा दिया जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सोल्डिंग हुआ है ना, यहाँ पे थोड़ा सा जला हुआ है, तो यहाँ पे भी एक पेपर दे देने से अच्छा होगा, नहीं तो अगर टच हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे अपने सेफ्टी के लिए पेपर देने से कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा पेपर दे दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस सेफ्टी, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव का जगह है, यहाँ देना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद से अब कैप लगाया जाएगा, देखिए ये जो कैप है ना, ये कैप इसमें भी बहुत कुछ है, जैसे देखिए ये जो कैप है ना, यहाँ देखिए यहाँ पे कटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ कटा हुआ है ना, ये दिया गया है यहाँ पे ऐसे लगाने के लिए, देखिए ये जो है ये ऐसे लगेगा, ताकि ये देखिए जो कटा हुआ है वो यहाँ पे आकर के रहेगा, ताकि ये तार जो है ये चप ना जाए, इसलिए ये कटा हुआ दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कैसे फिट हो रहा है, तो देखिए अभी यहाँ पे फिट हो गया है। ये देखिए यहाँ पे दो बोल्ट लगेगा, जो रॉकर था ना, जो जिसमें कार्बन ब्रश लगा रहता है, कार्बन ब्रश का जो होल्डर था उसको पकड़ करके वो ऊपर खींच लेगा, यानी इसमें जो है वो पूरा फिट हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे दो बोल्ट लगाया जाएगा, और ये जो बोल्ट है ना ये जा करके टाइट हो रहा है ब्रश होल्डर में, यानी जो ब्रश जिसमें लगा हुआ था ना उसी में। ठीक है, ये चारों हो गया। अभी देखिए अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो जो घाट जो बना हुआ है ना, ये स्लॉट, यहाँ पे एक लॉक लगता है, ठीक है, वाशर लगेगा जो लॉक जैसा होगा, ठीक है, और वो मतलब लॉक ही है, ठीक है, वाशर जैसा यहाँ पे लगेगा, उसके बाद से इसके ऊपर कैप लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे है, देखिए ये, ठीक है, और जो लॉक है ना ये है, ठीक है, ये ऐसा लगता है, इसमें सबसे पहले थोड़ा सा ग्रीस दे करके लगाया जाता है, ठीक है, ये ऐसा इसमें लगेगा, इसको थोड़ा सा इधर से धक्का देने से ये अंदर चला जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा ग्रीस दे करके इसमें हम लगाते हैं अच्छा से। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये अभी क्या होगा कि इसमें ये देखिए, अगर ये हम लॉक लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा डिस्टेंस हो जा रहा है, ठीक है, तो ये फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम एक वाशर दे देंगे कोई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो बेंजो वाशर एक दे दे रहा है, ताकि देखिए ये अभी दे देने से ये थोड़ा सा गैप रहेगा, तो थोड़ा सा रहने से कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ पे अब ये थोड़ा सा गैप रह गया, तो इसीलिए ये वाशर यहाँ पे दे देना अच्छा होगा। चलो ये देखिए ये अभी लॉक जो है यहाँ पे लॉक लगेगा, ठीक है, इसको बैठाओ, लॉक को बैठाओ पहले,
ठीक है, ये लॉक बैठ गया। ओके, ये ऐसे लॉक हो गया। अभी इसके पास इस पर कैप लग जाएगा और उसमें दो बोल्ट होगा छोटा छोटा। देखिए ये कैप जो है, कैप के अंदर में देखिए यहाँ पे ग्रीस दे देना होगा, ठीक है, ताकि ये एकदम प्लेस सही से चले। ठीक है, ये देखिए बैठाओ इसको।